अरे बच्चों, वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। कैसे हो बच्चे आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास फोर इंग्लिश मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। बच्चे आप सभी जानते हो कि 8 मई 2023 को आपका इंग्लिश का पेपर होना है और इसमें हम लोग अपनी प्रैक्टिस सेट करेंगे। इसके पहले मैंने आपको प्रैक्टिस सेट 1 दिया है, जिसमें मैंने आपको ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चंस के साथ आपको रिवीजन भी करवा दिया है। इसी प्रकार मैं आपको इस सेट में भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के साथ रिवीजन भी करवाऊंगा। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। आप लोग यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प हैं, आपको जो विकल्प सही लगता है आपको वहाँ पर उस विकल्प का चयन करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे बच्चा, हु लिव्स इन हट। हु लिव्स इन हट, आप सभी ने एक पोयम पढ़ा होगा, आ वंडरफुल प्लेस, आ वंडरफुल प्लेस। ये आपने पोयम पढ़ा होगा जिसमें सारी चीज़ें उल्टी होती है, ठीक है। सन का जो शेप है स्क्वायर होता है, हट में सर्वेंट रहते हैं, और यहाँ पे जो हट में है वो किंग रहता है, हट में किंग रहता है, सर्वेंट पैलेस में रहते हैं। तो उस पैल क्या होता है, उस प्लेस में सारी चीज़ें उल्टी होती है। तो उसी से रिलेटेड यह क्वेश्चन है कि हु लिव्स इन हट। ऑप्शन दे रखा है किंग, सर्वेंट, पुअर, नन ऑफ दिस। तो बताइए अ वंडरफुल प्लेस में हट में कौन रहता है, किंग रहता है, सर्वेंट रहता है, पुअर रहता है, कौन रहता है? तो वहाँ पे सर्वेंट रहता है, ठीक है। सर्वेंट्स लिव इन हट, ऑप्शन बी सही है, अकॉर्डिंग टू द पोयम अ वंडरफुल प्लेस। ओके बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हु आर सीन इन गोल्ड एंड ज्वेल। कौन यहाँ पे सोने और चांदी जो आभूषण होता है वो पहनता है? विकल्प दे रखा है क्वीन, सर्वेंट, बोथ, नन ऑफ दीज। ये भी जो क्वेश्चन है वो वंडरफुल प्लेस से रिलेटेड है, तो इसमें भी आंसर होगा सर्वेंट। जो वंडरफुल प्लेस में सर्वेंट हैं वो गोल्ड और ज्वेल पहनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, फाइंड द राइमिंग वर्ड ऑफ नेस्ट। यहाँ पे नेस्ट का राइमिंग वर्ड बताना है कि नेस्ट का राइमिंग वर्ड क्या होगा। विकल्प दे रखा है बेस्ट, फन, स्कूल, ज्वेल। बताइए बच्चा इसका राइट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या डी। देखिए यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स होता है बच्चा समान तुकांत वाले शब्द, यानी पढ़ने में एक जैसे लगेंगे, नेस्ट के जैसा पढ़ने में लग रहा है बेस्ट, तो यहाँ नेस्ट का राइमिंग वर्ड होगा बेस्ट। फन का आप लोग राइमिंग वर्ड कर सकते हो बन, ठीक है। स्कूल का हो सकता है स्कूल, ठीक है। टूल हो सकता है TOOL, टूल। तो इस प्रकार राइमिंग वर्ड इसका हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, हु वाज गुलीवर। गुलीवर कौन था? ऑप्शन दे रखा है शेलर, टीचर, कोबलर, नन ऑफ दीज। वो नाविक था, शिक्षक था, मोची था, या इनमें से कोई नहीं था? बताइए गुलीवर कौन था? तो गुलीवर सेलर था। गुलीवर वाज ए सेलर, वह नाव चलाने वाला नाविक था। वाट वॉज द हाइट ऑफ द लिली पुटिंस। जो यहाँ पे लिली पुटिंस थे उनकी जो ऊंचाई थी वो कितनी थी? 6 inches, 7 inches, 8 inches, 9 inches। बताइए बच्चा, तो यहाँ पे 6 inches सही होगा, चैप्टर में भी दिया हुआ है 6 inches। तो आपको याद रखना है जो लिली पुटिंस हैं उनकी हाइट 6 inches है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, गुलीवर वाज फ्रॉम। गुलीवर रहने वाला था, कहाँ का रहने वाला था? ऑप्शंस दे रखा है इंग्लैंड, इंडिया, नेपाल, भूटान। क्या होगा बच्चा? राइट आंसर होगा इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, वो इंग्लैंड का रहने वाला था। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, आई एम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, आई ट्रेवल इन द सी। मैं यातायात का साधन हूँ और मैं समुद्र में यात्रा करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा विकल्प होगा बच्चा? विकल्प दे रखा है बस, ट्रेन, शिप, एरोप्लेन। तो बताइए यहाँ पे कौन सा जो है वो जहाज, कौन सा जो है वो समुद्र में चलता है? बस चलता है, ट्रेन चलता है, पानी जहाज चलता है, या हवाई जहाज चलता है? तो पानी में तो पानी जहाज चलता है, यानी सी होगा। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, शिप। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ द सन्स फैमिली। इनमें से कौन सूर्य के परिवार का सबसे छोटा सदस्य है?
आप जानते हो कि सर के फैमिली में 8 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मरकरी, मार्स, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। सबसे छोटा जो है वो क्या है? मरकरी। सबसे छोटा मरकरी है। सबसे बड़ा पूछा जाए तो जुपिटर है। हम लोग रहते हैं अर्थ में, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, वेयर डू वी लिव? हम लोग कहाँ रहते हैं, किस ग्रह पे रहते हैं? विकल्प दे रखा है अर्थ, मार्स, वीनस, मरकरी। तो बताइए क्या होगा? राइट आंसर है अर्थ। हम लोग पृथ्वी में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, हु आर फार अवे फ्रॉम द सन? इनमें से कौन सूर्य से सबसे अधिक दूरी पे है? नेपच्यून, सैटर्न, अर्थ, मरकरी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा बच्चा? नेपच्यून। सबसे अधिक दूरी पर नेपच्यून है इनमें से। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, विच प्लेनेट इज रेड लाइक फायर? कौन सा ग्रह आग की तरह लाल है? मार्स, मरकरी, अर्थ, जुपिटर। तो बच्चा यहाँ पे राइट आंसर होगा मार्स। आपको याद रखना है, रेड लाइक फायर आएगा तो आपको मार्स लगाना है। आग की तरह यहाँ पे लाल है। अर्थ को बोला जाता है ब्लू प्लेनेट, नीला ग्रह। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो ये आप याद रखिएगा, अर्थ को कहा जाता है। सबसे छोटा मरकरी है और सबसे बड़ा जुपिटर है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, फाइंड द राइमिंग वर्ड ऑफ डस्ट। डस्ट का आपको राइमिंग वर्ड बताना है। तो राइमिंग वर्ड मैंने आपको अभी बताया, एक जैसा पढ़ने में लगेंगे। तो डस्ट और यहाँ पे देखिए क्रस्ट, फैमिली ऑल, तो डस्ट क्रस्ट, क्रस्ट होगा। क्या होगा बच्चा? क्रस्ट। क्वेश्चन नंबर 13, वेयर इज प्राची गोइंग? प्राची कहाँ जा रही थी? कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, नन ऑफ दीज। तो बताइए प्राची कहाँ जा रही थी? तो प्राची साइंस सिटी विजिट करने जा रही थी। साइंस सिटी कहाँ है? साइंस सिटी कोलकाता को कहते हैं। तो ए राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, वेन वाज APJ अब्दुल कलाम बॉर्न? अब्दुल कलाम का जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1931, 15 अक्टूबर 1921, 15 अगस्त 1947, डी नन ऑफ दिस। बताइए क्या होगा? यहाँ पे राइट आंसर होगा बच्चा 15 अक्टूबर 1931। 15 अक्टूबर 1931 को APJ अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था। उनके तीन बेस्ट फ्रेंड थे, ठीक है, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। उनकी जो मृत्यु है वो 27 जुलाई 2015 को हुई थी। 15th क्वेश्चन पूछा गया है, ए काइंड ऑफ डांस इन झारखंड। इनमें से कौन यहाँ पे झारखंड के डांस का एक प्रकार है? सिंह बोंगा, सरहुल, झूमर, नन ऑफ दिस। क्या होगा बच्चा? बताइए ए बी सी या डी। राइट आंसर होगा बी, सरहुल। सरहुल जो है वो यहाँ पे झारखंड में नृत्य का एक प्रकार है। सूर्य देवता को सिंह बोंगा, झूमर, झूमर यहाँ पे नहीं होगा, ये होगा सरहुल। तो बच्चा 15th क्वेश्चन में बताइए आपके कितने राइट हुए हैं। ये एक प्रैक्टिस सेट 2 है, आपके 15th में कितने हुए हैं अपने स्कोर जरूर बताइएगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। भारतवर्ष क्लासेस पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।